चलिए लेक्चर नंबर 7। अरे क्या बात करो भाई, लेक्चर नंबर 76 है। इट्स टाइम टू, भाई समय हो गया है, अरे उठने का समय हो गया, 8 बज रहा है, कब उठोगे? उठने का समय हो गया। पहले मैं लिख रहा हूँ एक, हाँ इसका यूज करना है, का समय हो गया है इसके सेंस में। अब कोई काम करने का ही समय हुआ होगा, है ना, या का समय आ गया है, हो गया है, या कोई काम करने का समय आ गया है, या जो है उस काम का करने का समय है। हनुमान जी की शक्ति याद कराने का समय आ गया है, जागो महावीर। यहां पर अब कुछ करने का समय आ गया है, या अब कुछ करने का समय है, अब कुछ करने का समय हो गया है। देखिए, अब कुछ करने का समय आ गया है, क्या हो जाएगा? अब कुछ करने का समय आ गया है, तो सबसे पहले समय आ गया है, इट्स टाइम टू डूइंग समथिंग। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग नाउ, टू डू समथिंग, to do something now। अगर आपको ing से ज्यादा मोहब्बत है तो doing something now कर दो, है ना, जिससे उसे करो, क्यों जबरदस्ती? चाहे आप to do करो, चाहे doing करो, clear है? लेकिन एक एक से ही करो, समझे? ये होगा आपका to do something now या doing something now। अब choose कर दो आपको किससे करना है, doing से बनाना है, to do से, जिससे भी बनाना हो बनाए, ठीक है? ये हो गया आपका। अगर मैं कहूं उठने का समय हो गया है, तब क्या हो जाएगा? It's time to wake up या get up something now। देखो कौन सा बढ़िया सेट हो रहा है, get up, to go, to do something now। तो जो सेट बढ़िया लगे कि बोल लें गजब का हुआ, उसी को बोलो, इनको मारो बोलो, है ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? चलिए, उठने का समय हो गया है, it's time to get up, it's time to get up now। अब उठने का समय हो गया है, अब जागने का समय हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, it's time, एक चीज और याद रखना, it's time to होता हो क्या रहा है, it's time to, it's time के साथ में to बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है, है ना, it's time to get up now, it's time to get up now, या it's time to, अब देखिए इट्स टाइम टू गेट अप नाउ, या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इट्स टाइम फॉर गेटिंग अप नाउ। वैसे कॉन्सेप्ट तो यही है, टू वाला ही, इसी को करो, क्यों उसमें जबरदस्ती बदल रहे हो? चलिए, उसे अलविदा कहने का समय हो गया है, क्या हो जाएगा? इट्स टाइम टू अलविदा कहने का समय, यानी कि टू, अब यहां अलविदा कहना की इंग्लिश होती है बेड, सॉरी बिड फेयरवेल, है ना, ये होता है बिड फेयरवेल। आप नरेशन में पढ़े होंगे बेड हो जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग तब बेड में एक चेंज होता था, बेड बिड बेड बिडेन, ये इसका फॉर्म चलता है, है ना। बिड का अपोजिट होता है फॉरबिड, फॉरबिड मींस मना करना, तो फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडेन, तो ये फॉर्म चलता है आपका। बिड फर्स्ट फॉर्म है, बेड सेकेंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है, है ना। तो यहाँ पर बिड फेयरवेल मीन्स अलविदा कहना, अब से फेयरवेल भी बोल सकते हो, लेकिन बिड ज्यादा सही है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम टू बिड फेयरवेल टू हिम या टू हर, क्लियर है? यह जीवन की सच्चाई को जानने का समय है, जान लो भैया, इंसान रूप में जीवन की सच्चाई नहीं जानोगे तो शैतान रूप में जानोगे का, तो ये जीवन की सच्चाई जानने का समय हो गया है, क्या हो जाएगा? इट्स टाइम To know the truth of life। ये मजे करने का समय, मजे करो। It's time to have fun। It's time to have fun। अब निकलने का समय हो गया, निकल जाओ बच्चा, नहीं तो समझ लो। It's time to leave now। Leave at once, otherwise understand what will happen। अब अंग्रेजी बोलने का समय है,
इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश नाउ. ये प्रदर्शनी में जाने का समय. अब याद रखना प्रदर्शनी की इंग्लिश होती है एक्सहिबिशन. एक्सहिबिशन एक्सहिबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी. इट्स टाइम टू गो टू द एक्सहिबिशन. ये सोचने का समय नहीं है. It's not time to think about that या about कुछ भी. ये चिंता करने का समय नहीं है. It's no time to worry. अब सोने का समय है. समय का हो गया है. It's time to go bed now या to sleep. क्या ये हंसने का समय है? Is it time to laugh? क्या ये आपस में बहस करने का समय है? Is it time to argue together? है ना? या with each other, with when another. दो लोग से बहस करना हो तो each other कर दो. दो से अधिक लोगों से बहस करना हो तो when another कर दो. समझ में आया? It's time to. अब बताओ समय हो गया. आप लोग बताओ किसका समय हो गया. हाँ बताइए. कुछ कर समय हो गया. क्या? खाने का समय हो गया. देखो तो क्या हो जाएगा? इट्स टाइम टू ईट. और बताइए रोने का समय हो गया. इट्स टाइम टू क्राई. आप बताइए किसका समय. अरे रियल लाइफ का एग्जांपल बताओ. स्कूल जाने का समय हो गया. अब स्कूल जाओगे. इट्स टाइम टू गो टू स्कूल. बताइए और क्या. आप बताओ किसका समय हो गया. कोचिंग जाने का समय हो गया या कोचिंग का समय हो गया. इट्स टाइम टू गो टू कोचिंग. और किसका रियल लाइफ का एग्जांपल बताओ. संध्या का समय हो गया है. अच्छा शाम का समय हो गया है ना. तो इट्स टाइम या इट्स टाइम फॉर इवनिंग है ना. शाम के लिए समय हो गया. इट इज अराउंड द फॉर इवनिंग या एक्शन. संध्या का भी ये समय नहीं है. शाम और नाउन हो गया. आपको कुछ ऐसा बताना है काम वाला. घर में क्या कहते हैं, अबे इतने बड़े हो गए कुछ कर लो तो तुम गुस्सा. भाई अब घर वालों की बात बर्दाश्त नहीं होती. अब कुछ करने का समय. अब कैरियर को सुधारने का समय आ गया है. अब तो मैं करके दिखाऊंगा. तो क्या हो जाएगा. इट्स टाइम फॉर इम्प्रूविंग या इट्स टाइम टू इम्प्रूव माई कैरियर. नाउ आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. और बताइए और क्या समय हो गया. बाजार जाने का समय हो गया है. इट्स टाइम टू गो टू द मार्केट. और किसका समय हो गया. रियल लाइफ का एग्जांपल बताओ. अपने आप को कुछ साबित करने का समय हो गया है. इट्स टाइम टू प्रूव योर सेल्फ. और किसका समय हो गया है. हमें मुश्किलों से निकलने का समय. अरे मुश्किलों से निकलने का समय आ गया है. अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे. तो क्या हो जाएगा. इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द डिफिकल्टीज या टू गेट रिड ऑफ. देखो गेट या एक प्रेजेंट वर्ब मैं यूज कर रहा हूँ. गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना है ना. या लीविंग अप कर दो. It's time to leave from the difficulties. और किसका समय आ गया है. टीवी देखने का समय हो गया है. It's time to watch the movies. टेलीविजन. प्रैक्टिस करने का समय आ गया है. प्रैक्टिस करने का समय हो गया है. It's time to practice now. सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो. रमेश बाबू शादी करने का समय हो गया है. समय आ गया है. It's time to marry. और बताइए. सिंदूर को वर्मिलियान बोलते हैं. याद रखना. शादी तो देते ना वर्मी कहाँ है. और किसका समय हो गया. सोने का समय हो गया. It's time to sleep. और बताओ कोई real life का example बताओ. किसका समय आ गया है. किसका समय हो गया है. अब इससे कोई यहाँ भागने का समय आ गया. यहाँ से भागने का समय आ गया. अच्छा
अब सिख के लिए यहाँ से भागने का समय आ गया है, तो क्या हो जाएगा? इट्स टाइम फॉर इट्स टाइम टू रन अवे फ्रॉम हेयर फॉर अभिषेक। मोनिका को मारने का समय हो गया, मोनू को मारने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू बीट मिस्टर मोनू। मोनिका बोली थी, हाँ तो मोनिका को है, तो इट्स टाइम टू बीट आगे मिस्टर नहीं मोनिका, मिस्टर मोनिका नहीं। क्लियर है, समझ में आया? जी सर।